भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं। महंगाई जब कांग्रेस के जमाने में जब 60 रुपया पेट्रोल रहा 30 पैसा खाली दाम बढ़ल रहा तेनाने नाचत रह नंगा हो गया, कपड़ा निकाल के धरना देते रहे, स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेके घूमत रहे, चूड़ी प्रधानमंत्री के भेजत रहे। चूड़ी भेजने वाली मंत्री वास्तव में अगर तुम मर्द हो तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को चूड़ी पहना दो, महंगाई के सवाल पे तब मैं मानूंगा कि तुम चूड़ी लेके सही हो गई थी। अब खाली चूड़ी लेके दिखावे बदे तो घबरा मत, इन लोग का दवाई तो हम कर, हम बोल बनूले हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय उग्र पार्टी बाबूराम पाल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू सिंह कुशवाहा, रामधनी बीन, राम सागर बीन, रामकांत कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, हम लोग 10 लोग मिलकर के एक मोर्चा बनाए। अभी मोर्चा जब गर्मा था तो पसीना छूट हो, इस नाते साथी आपसे सिर्फ देखिए, जो जागरूक कौमें हैं जो अपना हिस्सा ले रही हैं उनके विषय में तो चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, वो सोचती हैं। लेकिन आप वहीं उठा के देखिए, धनगर है, पाल है, बघेल है, अर्कबंसी है, बारी है, बियार है, और आपके आरक है, खड़गबंसी है, पाल है, प्रजापति है, धोबी है, धरिकार है, पासी है, खटीक है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, दुसाद है। इन तमाम जातियों के विषय में कोई पार्टी नहीं सोचती है। इन जातियों को तो चाहिए कि इन पार्टियों को वोट देना बंद कर दें। जब तक ये इनको वोट देते रहेंगे तब तक ये वही ब्राह्मण सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन यही करते रहेंगे। आज ज़रूरत है कि अनभिज्ञ समाज सम्मेलन होना चाहिए, जो अपने अधिकार से अनभिज्ञ है, जो राजनीति से अनभिज्ञ है, जो सामाजिक जिसमें चेतना नहीं है वो अनभिज्ञ है। इन सब चीज़ों से आज ऐसे सम्मेलन की ज़रूरत है जो वंचित समाज है, ऐसे वंचित समाज को सम्मेलन के माध्यम से उनको शिक्षा के सवाल पे जागृत करना, स्वास्थ्य के संबंध में, रोजगार के संबंध में, नौकरी के संबंध में उनको जागृत करने की ज़रूरत है। लेकिन ये सत्ता की पार्टियाँ जो जगे हुए लोग हैं उन्हीं को बार बार जगाते हैं। इसी बात को लेके भारतीय समाज पार्टी जो सोए हुए लोग हैं, अपने अधिकार से अनभिज्ञ लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको जगाने का प्रयास हम कर रहे हैं। 2022 चुनाव कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, कैसे? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पावर दिया है वोट का, और पहले यह देश कृषि प्रधान देश था और जाति प्रधान देश है, और हमने देखा है तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मार करके जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो हम लोगों ने एक जातियों की गोलबंदी किया है, जातियों की पार्टियां हो गई हैं और उन्हीं पार्टियों की गोलबंदी है। पाल की पार्टी, पाल प्रजापति बघेल की पार्टी हो गई, प्रजापति कहार की पार्टी हो गई, बिंद के वटमल्ला निषाद माझी मझवार की पार्टी हो गई, पटेल की पार्टी है, कुशवाहा शाह किसैनी माली की पार्टी हो गई, राजभर बीआर अर्कबंसी आरक की हो गई, बंजारा बहेलिया की, ये सारे जो उपेक्षित लोग हैं, वंचित लोग हैं, इन लोगों को अपने साथ हमने इकट्ठा किया है। इनकी आबादी उत्तर प्रदेश में अकेले अति पिछड़ों की आबादी अकेले 43% है, और ये 43% दूसरे की सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं। ये सिर्फ इकट्ठा हो जाए तो इनकी सरकार बन जाएगी, तब आने वाले दिनों में लोग, तब ब्राह्मण सम्मेलन कोई नहीं करेगा, तब कोई अर्कबंसी सम्मेलन करेगा, तो कोई बंजारा, कोई बहेलिया, तो कोई प्रजापति, तो कोई पाल, कोई धनगर, कोई बिंद, कोई निषाद, कोई कश्यप, तब इनका सम्मेलन होगा। ये सिर्फ उनका साथ छोड़ दें तो इनकी चर्चा होने लगेगी।